नहीं है, मैं आपको बताऊं ये जाली बाबा का जो चक्कर होता है इतना खतरनाक चक्कर होता है, आप यकीन करो हमारे मोहल्ले में एक लड़के पे जिन चढ़ गया, बाबा को बुलाया और बाबा इत्तफाक से जाली निकल आया, बाबा लड़के से कह रहे बच्चा उल्टा लेट जा, लड़का कह रहा बाबा जिन निकालना है डालना नहीं है। ये क्या, दिस इज द वे ऑफ टॉकिंग लाइक दैट? ये कितनी अच्छी बात की है, वो बाबा मेरे जानने वाले, वो लड़का तू है, मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ ये वाकया हुआ है। लेकिन आंटी आपको देखकर ऐसा लग रहा है आपने दुनिया की सारी गंदी फिल्में देख रखी हैं। ऐसा क्यों? बस एक रह गई थी, आज मैंने दूबदू देख लिया। चलो आप अपनी आंखें भी सही करें। आप हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, एक थी, उसने समझा दो आप मिला के, उस एक ही दिन में औलाद दे दी। हाँ, अपने मियां को कैसे? वो साथ लेके आई थी, उसने बोला औलाद चाहिए, उसने नीचे से निकाला बैड के नीचे, ये लो आप वाला केस। आज वो जवान हो गया ये बैठा। अच्छा, ये जिंगर बर्गर एक ही बारी में मुंह में चला जाता है आपके? जी नहीं, तो पेसिस होते, पेसिस होते हैं यार उसके। मैं अगर हुकूमत में आया ना, सबसे पहले जिंगर बर्गर का साइज छोटा कराऊंगा। इतना बड़ा ये जगह, अब आप डेट पे गए में इतना बड़ा मुंह खोल ले, हमारे तो तब भी मुंह खुल जाते हैं, हम गुटखा नहीं खाते, जो गुटखा खाते उनसे पूछो, यहाँ रख के चम्मच से ठूसते हैं। हमारा तो मसला यही है, हम लड़कों का जमीन मिली बंजर और दोस्त मिले वो भी बंजर। ठंडे को नाइट क्लब भी जाती हूँ। नाइट क्लब काम जानती है, काम मैंने क्या कहा, काम जा, मैं काम जानती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे शक था, यकीन हो गया, बेफिक्र। अच्छा, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा यादगार दिन जो आप सोचती हो काश ये दिन रात में आ जाए? या आपने बत्ती बुझा के खुद रात कर लियो? इसके एक दिन बाद में जवाब दूंगी तुम्हें। माशाल्लाह तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो, पिल्ले के अब्बू लग रहे हो माशाल्लाह, सिर्फ दांत गंदे। कमेंट में भी लिखा था किसी ने। अच्छा ये बताइए, आप खारे पानी से मीठे पानी की मछलियां पकड़ लेती हैं? एक सवाल है यार, ये क्या बात हुई? खारे पानी में से मीठे पानी की मछलियां, ये ककड़ी, ककड़ी कितनी देर में खा सकती हैं आप? ककड़ी, ककड़ी डाइटिंग में ना ककड़ी खाते हैं। एक बात बताइए, शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन को भूख क्यों नहीं लगती? उनको दूसरी चीजों की भूख होती है। तुम छोड़ो, दफा करो, तुम शादियों में क्यों घुस रहे हो, वहीं रहो लंडूरे। लंडूरे? हाँ, क्या कह रहे? 5 लाख का आपने हार पहना हुआ है। ला 75 रुपए दे, ले जा। 5 लाख का हार, आर्टिफिशियल भी कोई चीज होती। कहते हैं कि मोहब्बत करने से पहले पैसे कमा लेना, वरना आपकी मोहब्बत कोई और खरीद के ले जाएगा। क्या बात कर दी तुमने। मैरिज जो है ना, तलाक के पीछे ये नंदो का भी केस था। नंद हुकूमत को चाहिए नंदे बंद कर दें, ये नंद करती है सबसे ज्यादा गंद। अस्सलामुअलैकुम बरकतुल्लाह भाई। वालेकुम सलाम। और हालात आपको पता है कैसे चल रहे हैं? मर्द भी परेशान, औरत भी परेशान। आगे। 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 तो आज हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही अच्छी सामाजिक कारकुन, हाउस वाइफ, और रिश्ते लगवाती हूँ। अरे अरे, लेकिन वो भी परेशान है आजकल। क्यों भाई? ये उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम शाइस्ता महफूज साहिबा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सऊदीया में रिश्ते कराती? नहीं नहीं, ये नहीं, मैं बांग्लादेश में भी कराती हूँ। आपका कोई रिश्तेदार है? आप करेंगे? नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं पहले देखूंगा। शाइस्ता ख्याल करिएगा, मैंने बोला है कि आप परेशान हैं, आप अपने एंजॉय में लग गई हैं। नहीं ना, परेशानी जाहिर थोड़ी करने लोगों को, इस तरीके से तो और परेशान हो जाओगे, समझा करो ना। सही बात। हाँ, दिखाना नहीं है किसी को भी कि मैं परेशान। लेकिन आप दिखा के तो यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ, परेशानी मैं जूती भी दिखाती हूँ। जूती, जूती। अच्छा, एक नुक्ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जूती, जूती। अच्छा, आप दूध पीती हैं? दूध में कोई पिला दे तो पी लेती हूँ। पीती हैं आप? हाँ, तो मुंह पहुंच जाता है मेरा? हाँ, बहुत आसानी से। अच्छा, फ्रिज के ऊपर तक ना? हाँ हाँ, फ्रिज के ऊपर तक, ऊपर वाले उसमें डोर में रखा होता है ना। हाँ हाँ, मैं, मेरा मुंह नहीं पहुंचता तो मैं किसी से उतरवा के पी लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आपने पीना है? नहीं नहीं, मैंने चखना है। नहीं, मैंने चखना है। तुम चखने पे भी मर जाओगे। क्योंकि जहर है क्या? नहीं, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, शर्म आनी चाहिए। जी जी जी, ये मैं दुखी हूँ, मुझे और दुखी कर रहे हैं। मैंने झुकतों पर लगा दिया इनको, मैं भूखी हूँ। नहीं भूखी नहीं है, वो रिश्ते करवाती हैं। अच्छा, अच्छा। मुझे लग रहा है, देखो मैं अहमद में बता रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं दो मर्दों में ना अकेली औरत फंस गई हूँ। है तो तीसरा? अच्छा, तो ये औरत किसने कहा आपको? मुझे क्या समझ नहीं। नहीं, मैंने उज़्मी और आपको मर्द कहा है, इसका कंफर्म नहीं है। अच्छा, ये क्यों कंफर्म नहीं है? शादी जो नहीं हो रही, पहले मैं हकीम को दिखवाऊंगी, फिर पूछवाऊंगी कि इसको मर्द कह सकते हैं कि नहीं। लेकिन आपकी अपनी कंफर्मेशन के लिए मैं सेट हूँ, मसला नहीं है। सेट हो? हाँ। तो फिर सुस्ती का है बात की, तुम्हारे साइज की कोई लड़की नहीं मिल रही, या तुम किसी से सेटिस्फाई नहीं हो दुनिया में? मैं आपको बता दूं, लड़की को इनका साइज पसंद नहीं आ रहा, इनकी हाइट जो है। अच्छा ये बताइए, दुनिया में इतने इंतकाल हो रहे हैं, उस वक्त आप कहाँ होती हैं? दुनिया में बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं, तुम क्यों नहीं आते उसके नीचे? देखो हर बात का जवाब दे रही है, आप मेरी बात का जवाब आगे बढ़ा क्यों नहीं रही? ये परेशान है, वो परेशान है, ये कद्दू की परेशान है।
देखिए आप रिश्ते करवाती हैं यार, ये क्या जुकते मार रही हैं आप, कह रहे परेशान नहीं, परेशान है भाई, परेशानी में कॉमेडी निकल ली, मुझे ये समझ नहीं आता, ये बहुत बदनसीब है, इनको चलते हुए टीवी से भी थप्पड़ लग जाता पटाख करके, ये बेचारी मुझे पता है इनका एक भाग मुझे समझ और ये इतने बदतमीज है कि इनको ख्वाब में भी कोई आदमी कैरेक्टर निकाल के चमाट मार के फिर ख्वाब में घुस जाता है, नाइटमेयर। हाँ ये आप, ये आपका नाम अमानुल्लाह तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरा नाम है साइशिता आंटी। अब बच्चे मुझे ना बड़े शौक से कहते हैं शालू आंटी। अच्छा क्या शालू? अच्छा अच्छा शालू शीन वाला। लेकिन आंटी आपको देखकर ऐसा लग रहा है आपने दुनिया की सारी गंदी फिल्में देख रखी है, ऐसा क्यों? बस एक रह गई थी, आज मैंने दू बदू देख लिया। चलो आप अपनी आंखें भी सही कर रहे हैं, आपको अच्छी वाली फिल्म, आप दोनों फिल्म करें वायरल होगी। शो किस तरफ जा रहा समझ नहीं आ रहा। आप खुद रिश्ते कराती हैं, ठीक है जी जी, और आपकी खुद चार तलाकें हुई हैं। शुक्र चार तलाकें? चार तलाक। कैसे? पहले वाला मियां बिल्कुल कैरेक्टर लेस था। दूसरा उसके पास रोजगार नहीं था। तीसरा? तीसरे के पास घर नहीं था। चौथा? चौथे के पास जो चीज नहीं थी वो मैं बता नहीं सकती ऑनियर। मतलब हिम्मत नहीं थी मुझसे दू बदू होने की, क्योंकि वो पहले तीन का देख चुका था अंजाम देख चुका था। आप भी तो कुंवारे तो मेरे बारे में कुछ सोच। नहीं नहीं भाई, मैं आपके बारे में मैं बहुत यारी क्या औरत है यार, अरे ये परेशान है बेचारी। क्या परेशान है यार, ये परेशान है। अच्छा मेरे आपसे सवाल है शायस्ता जी, जी, जी मुझे एक बात बताइए, आप इस बात को मानती हैं कि हथियार तो सभी के पास होता है लेकिन इसका इस्तेमाल किसी किसी को ही आता है? ये तो हकीकत बात है, आपको देख के लगता है क्योंकि आपको नहीं आता है। शादी जाने का हथियार इस्तेमाल हो चुका, जो नहीं दो दफा मोबाइल छीन चुका, ये अपना हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा कभी भी नहीं। हां जंग लगा हुआ है क्या हथियार पे? जंग लगा हुआ, उसमें ऑयलिंग कर। ये लोग आपको किस किस तरह के इशारे करते हैं? मुझे बहुत अजीब तरीके के इशारे करते हैं, मतलब कि जैसे बहुत सारे तो यूं खड़े होते हैं ना, हाँ। तो इनको ये हाथ दिख रहा होता है, ये नहीं दिख रहा होता, हालांकि यहाँ से कर रहे होते हैं। और जो गंजा होता है वो खुदा की कसम ये मर्दों से मैं बहुत ज्यादा तंग है, खास तौर पर रमजान के दिनों में। मैं अहमद, हाँ। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, तुम भी मर्द हो, आप लोग भी तकरीबन मर्द ही हैं। तकरीबन क्या भाई, आप हैं? अरे वो चार खा चुकी हैं, छोड़ दो। मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं जब देखो रमजानों में ना मर्दों ने कुछ चीज खरीदनी होती ना कुछ, सिर्फ बॉन्डी कर रहे होते, बॉन्डी समझते छाणेबाजी, हाँ मखा फिर रहे होते हैं पूरी रात, फिर के सिर्फ एक नाड़ा लेके घर चले जाते हैं, करते वो काम है जो और पैंते लास्टिक है। अच्छा एक सवाल है मेरे, एक डिसेंट सवाल है शायस्ता जी, देखिए प्रोग्राम जो आप जी जी देखिए प्रोग्राम के एक डिसेंसी को हमें जरा मेंटेन रखना है। बिल्कुल। तो शौहरों से झगड़ा किस बात पे होता था जी? किस बात पे होता था? पहला शौहर क्यों छोड़ा आपने? पहला शौहर बताया, उन्होंने झगड़ा इसी बात पे होता था कि मुझसे कहते थे औलाद मुझे 6 महीने में चाहिए। हालांकि आप 1.5 महीने में दे सकती हैं। हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, एक थी, उसने दो आप मिला के उस एक ही दिन में औलाद दे दी। हाँ अपने मियाँ को। कैसे? वो साथ लेके आई थी, उसने बोला औलाद चाहिए, उन्होंने नीचे से निकाला बैठ के नीचे, ये लोग आप वाला केस। आज वो जवान हो गया ये बैठा। अच्छा ये किस मोहल्ले में पॉडकास्ट हो रही है यार? ये क्या, ये आपने मुझे अपने मोहल्ले में लेकर आया? अरे यार वो परेशान है, उनका मजाक। अरे कल क्या कहेगा, परेशान है, सारी बात दे जवाब दे रहे। अच्छा चारों शहरों में से सबसे ज्यादा झगड़ा मजा किससे आता था, झगड़ा करने में, आपको फाइट करने में? नहीं पहले बताए मजा या झगड़ा, दोनों। मतलब बहुत से झगड़े ऐसे होते, आप जो सोच रहे वो भी ठीक है, बता दें दूर फिटे मुँह, किसी से भी मजा नहीं आता था झगड़ा करने का। आप एक आदमी का काम ही नहीं है। नहीं मैंने मतलब आपको तो वेरिएशन चाहिए ना, मतलब देखिए कुछ बात को रिएक्शन भी दे, हर बात का जवाब ना दे, इसको रिएक्शन भी दे। देखो मैंने यूं करके रिएक्शन दिया। तो किससे ज्यादा लड़ाई किससे ज्यादा होती थी, कौन से वाले नंबर से लड़ाई? मुझे सबसे ज्यादा मेरी लड़ाई होती थी वो के इलेक्ट्रिक में थे ना। तो करंट बहुत था, फिर किस बात की लड़ाई? नहीं नहीं, उन्हीं में तो करंट नहीं था, दो घंटे के लिए चले आता था। सिर्फ हर महीने बिल दे देते थे मुझे, कहने के खुद भर के आओ। अच्छा अच्छा, मैं किस तरीके से बिजली का बिल भरती थी? मुझे मुझे आज एक दो बार मेरे पास आई भी थी। चक्कर में आपका अपना बिल बंद हो गया। इनका नाम है शाइस्ता महफूज, हाँ, लेकिन इनसे तो कोई भी महफूज नहीं है। शुरू शुरू में तो मैं समझा आप वो हैं, क्या कहते हैं, आप मजलूम है। हाँ। आपकी बातों से तो लग रहा है वो मर्द मजलूम है जिन पे आपने जुल्म किए। हाँ। आप हमारे रिस्पेक्टेबल गैस पे झुकते मार रही हैं। तो मैं गैस तो वो है। अरे मैं अभी आपकी साइड हो गया भाई। अच्छा अच्छा, आप झुकते मार रही हैं। झुकते क्या मार रही हूँ, अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो मैं क्या करूँ, चुप करके जिब लगवा लूँ मुंह पे। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी एक बात, सब बात का जवाब प्लीज, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन, मुझे बात बताइए, बात सच है कि महबूब कितना ही प्यार करने वाला क्यों ना हो आखिर में कपड़े खुद ही पहनने पड़ते हैं? हाँ मतलब नहीं कि स्त्री करके धोके वो आपको कभी भी मुझे सोच रहे थे उस बात माजी में झांक रही अपने। अच्छा मैं माजी में झांक रही हूँ, पहला शॉट दूसरा शॉट तीसरा कौन, ये माजी में झांक रही है, किसके बाथरूम में झांक रही है? नहीं नहीं छोड़ो दफी। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, अगर रात को ख्वाब में शादी हो जाए तो सुबह उठकर वलीमा कर लेना चाहिए?
अगर आपके पास पैसे हैं तो, और आपका बनता ही ख्वाब में शादी और ख्वाब में ही वलीमा है। हाँ, और नहाना भी ख्वाब में। हाँ अच्छा, सही कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, शौक से क्या खाती हैं? जूते, गालियाँ, क्या खाती हैं शौक से? जी मैं शौक से जो हूँ ना, आपने जॉब भी की है? हाँ, जी, हाँ। जी मैंने जॉब की है, मगर मैं बहुत डिसहार्टेड। हाँ, कब तक टेबल के नीचे बैठे रहना यार, 6-6 घंटा? सही बात है, और फिर टेबल के नीचे बैठे रहना, हाँ। उससे नीचे बैठ के पैसे पकड़ना। अच्छा, हाँ। 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 देखो ये जिंगर बर्गर एक ही बारी में मुंह में चला जाता है आपके? जी नहीं, पीसेस होते हैं, पीसेस होते हैं यार उसके। अगर हुकूमत में आए ना, सबसे पहले जिंगर बर्गर का साइज छोटा करो। हाँ यार, इतना बड़ा ये जगह, अब आप डेट पे गए, इतना बड़ा मुंह खोल ले, हमारे तो तब भी मुंह खुल जाते हैं। हम गुटखा नहीं खाते, जो गुटखा खाते उनसे पूछो, यहाँ रख के चम्मच से ठूसते हैं। वाह वाह, मुझे लग रहा है तो आप क्यों सिंगर बर्गर इजीली खा लेती? इतना बड़ा मुंह खुल जाता है आपका? भाई मेरे तो बहुत बड़ा मुंह, कोई रूटीन वर्क में है आप मतलब? हाँ जी, वो बात मेरी वही रहेगी, लेकिन आपकी बात की बात करूंगी। उन्होंने मुझे काम का पूछा तो मैं बहुत, बोले 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 बोले, क्यों क्यों क्या जॉब क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? मैंने जॉब की। हाँ, मैंने सबसे पहले जॉब की, मैं बस में एयर हॉस्टेस लग गई। वो बस हॉस्टेस जो होती है, छोड़ इसलिए थी क्योंकि बस खाली थी। है? हाँ। है? छोड़ क्यों थी? रश बहुत होता था ना, और यूं करके कोनी निकाल के बैठते थे, तो क्या मैं बीच में से निकल के जाऊं? और ऐसे होते थे कभी ना, मैं क्या? मेरे साथ तो ये सही करें, बसों में बहुत वाकया हुए। एक बार मैं बस में सफर कर रहा था, अचानक मुझे खातून करी, ए क्या कर रहा है? मैंने बोला गवर्नमेंट कॉमर्स में इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। फिर उसने बोला इकोनॉमिक्स दिखाओ पहले। बस हॉस्टेस बनी हुई थी ना, मुझे नौजवानों से कोई भी गिला नहीं है, लेकिन ये जो बुड्ढे होते हैं ना, बलगम थूकने वाले, अरे वो टिकट लेके आखिरी स्टॉप तक आते थे मेरे साथ। ऐसे मैंने पूछा कहाँ उतरोगे, कहने लगे अब तो जनाजा ही निकलेगा यहाँ से। बताओ। नहीं, आपने जो बात की ना, बुजुर्ग लोग, मैंने देखा। अच्छा, इस बात को आप बात को मानती है कि बुढ़ापे की शादी और बैंक की चौकीदारी में कोई फर्क नहीं है? सोते हुए भी एक आंख खुली रखनी पड़ती है। मतलब अभी आपका कोई रिश्ता आता है इस उम्र में तो आप एक्सेप्ट करेंगी? जी बिल्कुल, मैं तो बहुत तरसी हुई। आपने चार की भी, आप फिर तरसी हुई तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया ना, छोड़ के चले गए कमबख्त मारे। जमीन बंजर हो गई, जमीन बंजर हो गई, बंदा बंजर हो गया। हमारा तो मसला ही तो यही है, हम लड़कों का जमीन मिली बंजर और दोस्त मिले वो भी बंजर। अच्छा शाइस्ता जी, आपके शौहर ने आपको 14 अगस्त पे कोई गिफ्ट वगैरह दिया कहीं घुमाने लगे? मुझे वो नहीं हो तो बाजा, हाँ। वो ला के दिया था, बोले हम तो बजा नहीं सकते, तुम बजाती रहो। अच्छा, फिर आपने बजाया? गाने मेरा बाजा बच चुका पहले। आपके भाई कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह से मेरे नील बटा सन्नाटा। क्या मतलब? चार शादियां, बच्चा कोई नहीं? आपने चार मियां पैदा कर ली, एक बच्चा पैदा नहीं किया? क्या चार मियां पैदा कर लिए, एक बच्चा पैदा नहीं किया? मैं क्यों पैदा करूंगी, मेरी सासों ने पैदा किया था। ये सही करें, ये सासों का झगड़ा होता है। अब आप देखो, सास कह रही बहू से, आने दे मेरे बेटे को, मैं उसे बैठ कर समझाऊंगी तेरे करतूत। बहू कह रही कोई फायदा नहीं, आप उसे बैठ के समझाएंगी और मैं मना लूंगी। हाँ मतलब तुम्हें फिर जेलस क्यों हो रही? तुम्हारी बीवी नहीं है तो बहुत तप रहे हो। आप अरेंज करें, अरेंज करें। आप एल्बम क्यों नहीं लाई? क्यों एल्बम लेके? मैंने पहले रिश्ते लगाती हैं आप? रिश्ते दीवार से भी लगाती हैं? एक दो बंदों को लगाया? जी जी, मैं इंशाल्लाह लड़की वालों से बात करूंगी, आपके रिश्ता करा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, चारों शहर में सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन सा वाला जो आपको डिटेल वर्क में समझाता था? किस हद तक रोमांस करता था वो आपके साथ, जो आपका ये अशर हो गया? क्या दिल के तार छेड़ दिए, क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी थी उनकी, पहले वाले की। इतने रोमांटिक होते थे, मुझे तो कई दिनों तक वो ना पहाड़ दरवाजा ही नहीं खोलते थे, अंदर से पहाड़ियों पे ले जाते थे। अच्छा, मतलब इतने नीच किस्म के? बर्फानी पहाड़ी, ओए होए होए। फिर वो कहते थे इसको पिघलाओ, और जी पिघलाओ। मैं कहती थी मैं अकेले कैसे पिघला? मतलब आप इतनी हॉट थी कि वो आप पिघला देती थी। वाह वाह वाह, तो आप मशहूर भी हैं। तो मुझे ग्लेशियर लेके नहीं जाते, कहीं पिघल गया तो जमाने में सैलाब आ जाएगा। वाह वाह यार, कितने रोमांटिक थे यार। अच्छा, आप ये जुए किस दिन मारती हैं? जी जुए किस दिन मारती हैं? मेरे बालों में जुए नहीं होते, डायरेक्ट कॉकरोच। अच्छा, आप इस बात को, जुओं को चक्कर आ जाते हैं उतरते हुए, कर लेंगे ना बाल। अच्छा, इस बात को आप देर से क्यों आई हैं? देर से क्यों आई? इनका ड्राइवर सही नहीं, आपका सही कहा तुमने उज्मी, इनका ड्राइवर बहुत छिछोरा है। नहीं नहीं यार, क्या ये गाड़ी में लेके आया मुझे, सारे गियर यही लगा रहा है। अरे हालांकि गाड़ी तो ऑटोमेटिक थी। नहीं, मैंने भी कह दिया उसको मैनुअल करो, सारे इधर गियर लगा रहे हो, अगर मैंने रिवर्स लगा दिया ना, उठ के भागोगे यहाँ से। तो हो सकता है वो रिवर्स लगवाना चाह रहा हो, आप नहीं समझ रही हो। लेकिन गाड़ी तो ऑटोमेटिक थी, एक ही दफा लगता है तो उसमें वो रन तो होता ना लिखा हुआ, रन ये रन लिखा हुआ, कोई रन थोड़ी लिखा हुआ, ये कैसे जा। अच्छा आर से बात बताए, आपके बारे में मैंने सुना है कुछ तलाक में आपकी भी गलतियां हैं, आपके बारे में मैंने सुना है आप चरस पीती हैं। ये किसने, तुमने कहा है? नहीं, ये सोशल मीडिया पे आपको सर्च किया है, हस्बैंड ने कहा।
हस्बैंड गलत कह रहे हैं, आपके डोडे देखे वहाँ पे उन्होंने, क्या देखे? डोडे। अच्छा डोडे, अच्छा टोटे, मेरे एक तो दोस्त पीते हैं उन्होंने बताया। चलो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, चर्च तो मैं पीती हूँ लेकिन हर संडे को नाइट क्लब भी जाती हूँ। वही वही नाइट क्लब काम जानती है, काम मैंने क्या कहा, काम जा, मैं काम जानती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मुझे मुझे शक था, यकीन हो गया, बेफिक्र हैं, बेफिक्र हैं। टाइटैनिक, आई रियली अप्रिशिएट इट। अच्छा अंधेरे से डर लगता है? अंधेरे से डर लगता नहीं, या पहले लगता था, अंधेरे में कोई आए तो फिर डर लगता है। अंधेरे से डर नहीं। अच्छा शास्त्रा जी, आप एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन। आप इस बात को मानती हैं कि प्यार अंधा होता है और अंधेरे में भी होता है? अंधेरे में ज्यादा होता है प्यार। अच्छा हाँ, क्योंकि हमारे कराची में बिजली आती कभी भाई, ये जब भी बिजली चली जाती है, तादाद बच्चों की क्यों बढ़ रही है? माँ बाप उठ जाते हैं आधी रात को, फिर सोते कहाँ हैं? अब आप देखे ना, बहुत से लोगों का घर तो रेलवे स्टेशन के पास होता है। आज 4 बजे ट्रेन आई, आंख खुल गई, अब घर पे टीवी भी नहीं है, क्या देखें? कौन सी न्यूज देखें? चलो भाई यही न्यूज के बारे में डिस्कस कर लो। इंटरटेनमेंट में ना आबादी बढ़ने लगी है। अच्छा शास्त्रा जी, आप इस बात को मानती हैं कि कवारों से ज्यादा शादीशुदा मर्दों को दूसरी औरत के ख्वाब आते हैं? जी जी, ये बात तो है, मेरे वाले भी इसी वजह से मुझसे अलहदगी हुई, चारों ऐसे थे ठरकी किस्म के। अच्छा, आपको भी गंदी नजर से देखते थे? मतलब मैं उनके निकाह में थी, मुझे गंदी नजर से क्यों देखेंगे? मुझे डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट। अच्छा आपकी जिंदगी का कोई ऐसा यादगार दिन जो आप सोचती हो काश ये दिन रात में आ जाए, या आपने बत्ती बुझा के खुद रात कर लियो? सवाल है, इसके एक दिन बाद में जवाब दूंगी तुम्हें। अच्छा शायस्ता, जरा ऐसा ये बताए, पटाखे फोड़ती है? पटाखे? हाँ मैं पटाखे कोई मेरे सामने फोड़ को तो दिखाए, मैं उसके बम फोड़ दूंगी। अच्छा ये बताएं कि आप, और मैं बम ऐसा फोड़ती हूँ लात से जब तुम हो ही कमारे, तुम्हारे हाथ में से शादी की लकीरें तक मिट गई, हालांकि तुमने खुद मिटाई है। अभी मार्कर से बनाई है मैंने। हाँ। और थोड़ी देर पहले आप हाथ मांग रही थी मुझसे। तुम उससे घोड़ी घोड़ी कह रहे हो? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा अब आपका फोन आया था, मुझे आपने बोला था आप मजलूम है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या। इनसे बहस करने से अच्छा, इनसे बहस करने से अच्छा बंदा रेगमाल से अपना मुंह रगड़ ले यार, कोई बात में तकलीफ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है अपने शौहर को बेल्ट से मारती होंगी। अब फ्यूचर में आपको हस्बैंड की तलाश है? बिल्कुल। और बिल्कुल और दिल मांगे मोर और देखिए, मैं कहना चाहता हूँ रिक्वायरमेंट बता दे, रिक्वायरमेंट। जब मर चार शादियां कर सकता है, जब वो किसी को खुला हो जाए। हाँ। या किसी को तलाक हो और आप तो खुला लेके घूम रही हैं करता कि शादी करे वो, तो आपने तो बीसियां डाली हुई हैं, छोड़े जा रही हैं मर्द तो। अबे तो कोई 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 मर्द सईद का भी तो मिले ना, तो इतना जज्बा आया कहां से आपके अंदर? ये तुमने मैं बचपन से गाना सुना है, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। अच्छा लगी रहे लगी रहे लगी रहे। अच्छा वो बताए क्वालिटीज बताए अपने हस्बैंड में कि भाई मुझे ऐसा हस्बैंड, व्हिच टाइप हस्बैंड यू नीड? खूबसूरत हो, हैंडसम हो, पैसे वाला, एक्स्ट्रा सिम लगी हो, उम्र ज्यादा हो, इनकम हो, उसके दिन कम हो, ताकि मैं ज्यादा एंजॉय कर सकूं। अच्छा आप खाए पा गए उसकी बैटरी? अगर 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 ग्रेट खली का रिश्ता आ जाए आपके, आप करेंगी? हाँ मुझे सैंडविच बनाना चाह रहे, ग्रेट खली से मैं शादी करूंगी, वो तो मेरे जितने जुराबे पहनता होगा इतना लंबा। रजनीकांत से करेंगी? हैं रजनीकांत से आप बोलेंगी ना, आपके आपकी जुल्फे बहुत अच्छी हैं, पकड़ा आप चाह रहे हो कि रजनीकांत से मैं शादी कर लूं, मैं गोरी वो काला, हमारे घर में सुरमई कलर के बच्चे हों। बहुत अच्छे दूर फिटे में। नहीं यार अच्छा, हीरो तो है ना वो यार, हीरो है तो क्या सब कुछ हीरो में होता है क्या? 60 करोड़ रुपए लेते हैं फिल्म के, वो किसके फिल्म के? 60 करोड़। हाँ फिर आप सोचे आप 7 होगी तो 70 तो फिल्मों के लेते हैं ना, हकीकत में तो पता नहीं क्या करे वो। अच्छा देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको मैं हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आप बहुत तरक्की करें, आपकी जो ख्वाहिशात है बहुत पूरी हो, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर जिंदगी में ऊंचा उड़ना चाहते हो ना तो बाज बनो, लौंडे बाज नहीं। नहीं मेरा मतलब है कि लड़कों के साथ आता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये लड़कों का कहना है कि लड़कों से दोस्ती करो, मैयत हमेशा लड़के ही उठाते, कभी लड़कियां नहीं उठाती। चलो चारों मिलकर इसको उठाते पहले, मैयत उठ चुके थे दफनाना। माशाल्लाह तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो, पिल्ले के अब्बू लग रहे हो तुम। माशाल्लाह सिर्फ दांत गंदे। ये तो कमेंट में भी लिखा था किसी ने। शाइस्ता आपने अपनी सांस पे भी तशद्दुद किया है। किसने कह दिया? नहीं सर, पता चला इवनिंग पढ़ लिया तुमने। जराए से पता चला, जराए सास को आप मारती थी? हाँ, सास को चारों सासों का आपने बेड़ा गर्क कर दिया था। इत्तेफाक की बात है, देखो तुम्हारे पास किसी ने गलत रिपोर्ट दिया है। अच्छा मेरी चारों सास थी नहीं, तो वो आए क्या थे शोर पे? मिस्कीन बच्चे थे। अच्छा, मिस्कीन। पैदा होते ही मर गई वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा यार ये रोबोट से शादी की है क्या मतलब? अच्छा ये बताइए आप खारे पानी से मीठे पानी की मछलियां पकड़ लेती हैं? एक सवाल है यार ये क्या बात हुई, खारे पानी में से मीठे पानी की मछलियां? ये ककड़ी, ककड़ी कितनी देर में खा सकती हैं आप? ककड़ी ककड़ी राइडिंग में ना ककड़ी खाते हैं।
साबुत हो तो 15 मिनट लगते हैं और कटे हुए हो तो मैं फौरन खा जाती हूँ। अरे मैं समझा साबुत कटे हुए साबुत फौरन खाती होंगी। नहीं साबुत में मसाला नहीं लगा हुआ था ना। अच्छा 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 लेकिन अच्छा एक बात बताइए, शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन को भूख क्यों नहीं लगती? उनको दूसरी चीजों की भूख होती है। तुम छोड़ो दफा करो, तुम शादियों में क्यों घुस रहे हो, वहीं रहो लंडूरे। लंडूरे ये पुराना वर्ड बोला आपने, बहुत अच्छी बात। उसको कहते हैं जिसकी होती नहीं, होती नहीं है। अच्छा कभी जाली बाबाओं से आपका वास्ता पड़ा? जाली बाबा वो जो कहते हैं महबूब आपके कदमों में। मैंने देखा हुआ था जाली बाबा के एक दीवार पे लिखा हुआ था महबूब आपके कदमों में। वो खुद 8:30 बजे रोजाना अपनी बीवी से मार खा रहा होता था यार ये। और वो जगह जगह लिखा था, उस पर लिखा हुआ था सफर होगा, कभी इंग्लैंड कभी अमेरिका कभी साउथ अफ्रीका, खुद के पास शक्कर का वो नहीं है कराया। नहीं ये मैं आपको बताऊं, ये जाली बाबा का जो चक्कर होता है इतना खतरनाक चक्कर होता है, आप यकीन करो हमारे मोहल्ले में एक लड़के पे जीन चढ़ गया, बाबा को बुलाया और बाबा इत्तफाक से जाली निकल आया। बाबा लड़के से कह रहे बच्चा उल्टा लेट जा, लड़का कह रहा बाबा जीन निकालना है डालना नहीं है। ये क्या, दिस इज द वे ऑफ टॉकिंग लाइक दैट? ये कितनी अच्छी बात की है। वो बाबा मेरे जानने वाले हैं, वो लड़का तू है, मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ ये वाकया हुआ है। अच्छा शायस्ता जी ये बताइए, लड़के किस तरह का फ्लर्ट करते हैं, आपके करीब आने की किस तरह कोशिश करते हैं? बहुत ज्यादा। और आप किस तरह बचती हैं या आप कहते हैं ओके कैरी ऑन? मैं तो बच बचा के निकल जाती हूँ। दो दफा तो मैंने अपने अंदर हॉर्न लगाया, मैंने पीछे लिखवाया भी है बच के निकल। शाइस्ता शाइस्ता ये बात याद रखे कि आप परेशान हैं, ये कद्दू की परेशान है यार, इन्होंने हमें परेशान कर दिया, हमें परेशान कर दिया, बहुत परेशान, हमारी झुकते उलझा दी इन्होंने। बरकत उसमें बहुत परेशान हूँ। क्या परेशान है? मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशान है? मैं दुनिया के सिस्टम से, इस पाकिस्तान के सिस्टम से परेशान हूँ। और आपका अपना सिस्टम जो बिगड़ा हुआ चार छह, आप मुझे पता है क्या किसी अजीब अजीब बातें करती है। बात दरअसल ये है कि मैं अब मेरी नौकरी की तो सुन लो पहले। हाँ। ये तो मैंने सिर्फ तुमको एक बस की नौकरी के बताया। हाँ। परेशानी आप आइए डिस्कस करने, वो तो बताएं क्या तो परेशानी। मुझे कोई नौकरी पे नहीं रख रहा, जो नौकरी पे रखता तो मुझे पसंद नहीं आती। हाँ, तंदूर में रोटियां भी लगाने गई थी। अच्छा हाँ, ये रोटियां लगाने गई तो अंदर ही फंस गई, लोगों ने टांगों से खींच के बाहर निकाला, 6 रोटी हाथ में हो गई, काली पड़ गई, इसलिए आपको निकाला, आप अंदर ही फंस गई थी। और तुम ये याद रखो, दो सीखे होती है, एक मैं थी एक तुम थे, जिससे यूं यूं करते। देखो हर बात का जवाब दे रही है यार। ये तंदूर से क्यों निकाला गया बताएं? हां इसलिए निकाला गया, तो आपको तो पता है रोटी यूं करके लगाते हैं, लोग रोटियां लेने कम आते थे, नजारे ज्यादा करते। और नहीं दूसरी बात जो मेरी समझ में आ रही है, एक तो ये खुद हॉट, ऊपर से तंदूर हॉट, ऊपर से आने वाले हॉट, और होटल का नाम भी हॉट। होटल का नाम हॉट 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 हॉट। ये बताएं, ये अब आपकी तलाक हुई भी है, मियां भी नहीं है, औलाद आपकी है नहीं, गुजर बसर कैसे करती है, खर्चे कौन पूरे कर रहा है, पैसे कहां से आता है? सब इतना, ये कोई 5 लाख का सब हमारी तरह कंजूस थोड़ी होता है। हाँ क्या कह रहे हैं? 5 लाख का आपने हार पहना हुआ है। ला 75 रुपए दे ले जा। 5 लाख का हार, आर्टिफिशियल भी कोई चीज होती है डाकू से बचने के लिए, असली वाला तो घर पे रखा हुआ है। अच्छा ये सांप बना हुआ है ये माथे पे, ये क्या है? ये ज्यादा छेड़ोगे तो कहीं भी घुस सकता है, यानी कि कान में घुस जाए। मैं अपनी कवरिंग खुद ही करती हूँ। पहले ही मुझे लग रहा है, पहले लग रहा है नाक कान में ही था, वहां से बाहर आया है। जी 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 जी। गुजर बसर बताएं कैसे हुआ? गुजर बसर जो मेरा अपने YouTube चैनल है। YouTube चैनल उसको क्या करवाते हैं? अबे पिल्ले का हो सकता है तो मेरा नहीं हो सकता? नहीं उस पे कंटेंट क्या बनाती हैं आप? उसमें कंटेंट वेबसाइट के लिए बनाती हैं? सही बनाती हूँ, मुझे ऐसा कोई बच्चा मिल जाए तो इंशाल्लाह मेरा भी चल पड़े। आप खुद माशाल्लाह तो अच्छी खासी हैं, अच्छी खासी आपने जो इतनी जुकते मारे कोई भी नहीं देखा। सांप आपने यहाँ से डाल के अपने कान से निकाल दिया, वो कुछ नहीं। इनका वो वाला काम भी ठप हो गया ना, रिश्ते वाला, रिश्ते जो करवाती थी। हाँ, अच्छा अच्छा हीरोइन कौन सी पसंद है आपको? हीरोइन रीमा। रीमा अच्छी है, रीमा या पाकिस्तान में जिसको पूछो जो इस तरह की आंटी होती है उनको डिसेंसी है ना, उसमें थोड़ी सी डिसेंट है वो। हिंदुस्तान बाकी हीरोइनों के मुंह देखो, चौड़े चौड़े चपटे चपटे, वो खूबसूरत है, सुतवा नाक, बेहतरीन पर्सनैलिटी। और अब तो अंदर से आ रहे हैं, एक मिनट मैं अंदर से आ रहा हूँ, किस तरह बता रही हैं ये बताएं, हिंदुस्तान में कौन सी हीरोइन पसंद है आपको? मुझे प्रीति जिंटा। क्यों? 2.5 रुपए घंटा। अच्छा हाँ प्रीति जिंटा। अब ना उस वक्त तो ये कब के रेट बता रही हैं आप? नहीं गलती से मुंह से निकल गया, यानी कि वो 2.5 लाख फी घंटे के हिसाब से चार्ज करती फिल्म में, चार्ज करती थी। हाँ जो देता था वो डिस्चार्ज हो जाता था, कि भाई कहाँ से दूंगा इतने पैसे। हाँ उसका दिमाग डिस्चार्ज हो जाता था, तो यही तो बात है। हीरो कौन सा पसंद है इंडिया में? हीरो मुझे लंबा चौड़ा वही अमिताभ बच्चन। क्या बुड्ढा हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या तुम बुड्ढे हो जाओगे तो तुम्हें छोड़ देंगे क्या लोग?
आपके जो चार शौहर थे, सबसे ज्यादा कौन सा शौहर आपसे खिदमत करवाता था और किस तरह की खिदमत करवाता था जिसकी वजह से आपने उसको तलाक? तुम एक दिन मेरे घर में रह के देख लो, पता चल जाएगा मैं क्या क्या करती, क्या क्या क्वालिटियां थी मेरे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप तीनों जहीन लोग बैठे, बताइए महबूबा और बीवी में क्या फर्क है? क्या फर्क? महबूबा आंखें झुकाकर शॉपिंग करवाती है और बीवी आंखें दिखाकर शॉपिंग करवाती है। क्या बात है? आप क्या दिखा के करवाती थी? मैं कुछ होगा तो दिखाऊंगी ना। आप चाकू दिखा के शॉपिंग कराती थी? क्या चापे? चाकू उससे भी नहीं डरते थे आजकल। अच्छा मेरा एक सवाल है सर, एक शायस्ता जी डिसेंट सवाल है, ये बात सच है कि जैसे तुम डिसेंट ही नहीं, वाकई में डिसेंट है, बातें तुम्हारी डिसेंट है, मुंह तुम्हारा ऐसा क्यों है? अच्छा ख्याल रखिएगा, वो परेशान है बेचारी, काय की परेशान है इस बात को याद रखना, मैं पूरा पॉडकास्ट ले गई, वो कह रहा तुम कह रहे हो परेशान। अच्छा मेरे एक लोग से एक डिसेंट सवाल है, कहते हैं कि मोहब्बत करने से पहले पैसे कमा लेना वरना आपकी मोहब्बत कोई और खरीद के ले जाएगा। हाय 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 क्या बात कर दी तुमने, मैं आपको सीरियस इशू पे लाना चाह रहा हूं। शायस्ता जी मतलब उनके फिराक में आप रोती तो होंगी ना, चार शौहर और कोई तो याद आता होगा, कोई तो याद आता होगा। उन चारों में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी जो मैं याद करके रोऊं। अच्छा है? हाँ शायद साहब गीबतें कितनी करती हैं एक दिन में? है? गीबतें कितनी करती हैं एक दिन में? गीबतें ने गीबत मुंह पे आई हुई है शायस्ता के? गीबत नहीं, फिर गीबत नहीं कहती, गीबत बहुत बुरी चीज़ जो कहती है मुंह पे कहती है। जो कहती है मुंह पे कहती हूँ, मुंह पे कह दूं, पीठ पीछे कहना जो है ना, नहीं, वो खामखा किसी की इज्जत को भी बढ़ाना, वा, 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 उसके रिस्क को भी बढ़ाना, वा, 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 और अपनी उम्र को कम करना, अपने रिस्क को कम। अच्छा मुझे माइक रखो, पहली दफा अच्छी बात की है, हम ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायस्ता जी आपसे। अच्छा लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए ये मैं इनको जानता हूँ, बहुत अच्छी आजजी वाली खातून है, और जो कहते हैं जो नशा आजजी और इनका सारी मैंने, वो नशा किसी दुनिया के नशे में नहीं है। यार आप मुझे एक बात बताओ, सीधी सी बात शायस्ता जी, आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगी, ये गुरूर किस बात का? किस बात का गुरूर है? आप कब्रिस्तान चले जाओ, जाकर देखो कहाँ पड़ा है औरत का हुस्न और कहाँ पड़ी है मर्द की जवानी। किस बात का गुरूर है यार? मेरे बच्चे। अच्छा मुझे डर इस बात का लगता है कि जो बोलता है ना बातें वो अमल नहीं करता। हमारे है ये प्रॉब्लम। हाँ हमारे है, मेरी नहीं कर रहा, नॉर्मल बात कर रहा है। अच्छा शायस्ता जी एक बात बताइए, बात सच है कि जिसने ये ताला ऐजाद किया होगा यकीनन उसकी बीवी की जुबान बहुत लंबी होगी? ये हो सकता है, मैं भी पॉसिबल है ना, हो सकता है ना, ये लॉक जो याद किया जिसने बाद में लॉक। अच्छा शायस्ता एक बात बताएं, मर्द एक बात एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, और औरत मुंह से निकाल देती है। आप कहां से निकाल दी? मुंह से निकाल देती हैं। आपने तो सारी बातें निकाल दी, अपने शौहर खोल के रख दिया आपने, मियां बीवी का पर्दा होता है वो घर में रहते हैं, आपने अपने बेडरूम की बातें खोल दी। अरे बेडरूम की बातें किसने खोली, किसने कह दिया मेरा तो, मैंने तुम्हें कोई बेडशीट दिखा दी है, तकिए दिखा दिए, पिलो दिखा दिए, कवर दिखा दिए, क्या दिखा दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। नहीं कह रहे, नहीं इन्होंने बोला कि एक मेरा मियां है उसकी भाई, आप कह रहे हैं बातें निकाल देती है, इन्होंने घर से निकाल दिया शौहर को। शायस्ता आप एयर होस्टेस की जॉब भी आपने की थी, वहां से भी आपको निकाला है? क्या कर दिया पायलट के साथ? नहीं अब बात खुली है तो अरे पायलट को घेर बदलवा दिया, लाहौर जा रहे थे मुल्तान ले गया पायलट, उसको उलझा दिया, वो यूं चला रहा था, यूं कर क्यों करता है वो पायलट इस तरह? कौन पायलट? शिकायत आई है पायलट की। कौन सा पायलट है जिसे तुम्हारे रनवे पे उतार दिया? मुझे तो किसी ने भी नहीं कहा। आपको क्यों कहेगा? बदतमीजी होती है। और ये एयर होस्टेस इस तरह की एयर होस्टेस को पायलट जानबूझ के रखते थे ताकि इनकी शक्ल देखकर उनकी नींद भागती रहे। ये हुआ ही है तो जरूरी है ना यार, ये एयर होस्टेस ने हमारी एयर होस्टेस को बदनाम कर दिया, इस तरह की एयर होस्टेस आती थी। इन्होंने पानी का जहाज खुशकी पे उतरवा दिया इन्होंने। अरे ये वो एयर होस्टेस एयर में, ये वो एयर होस्टेस थी चलते हुए जहाज में शेव कर लेती थी। हाँ ये वो भी उल्टा, ये कब का बात? ये वाक्य है इस तरह की एयर होस्टेस, अल्लाह माफ कर आपके सामने आ जाए आपको ऐसा लगेगा मर गए, आपका हिसाब लेने आ जाए। ये हुआ ही है, आपने एयर होस्टेस की नौकरी क्यों छोड़ी है बताइए? क्यों छोड़ी? मैंने हाँ मैं तुम्हें बता दूं आज कि मैंने एयर होस्टेस की नौकरी क्यों छोड़ी? क्यों? वो पायलट मेरे पे लाइन मारता था। तुम्हें क्या पता? सही कह रहे, वो ठरकी था, वो पेपर पे लाइन मारता था, एक लाइन मार के चूमता रहता था, पता नहीं क्यों इनकी लाइनें बढ़ गई थी कमर पे। ये हुआ था बताइए। देखिए मैं एक सीरियस नोट पे बात करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ वो घर बर्बाद हो जाते हैं जहाँ बहू से ज्यादा अहमियत शादीशुदा बेटी को दी जाती है। ये बात सही कहा है, मैरिज जो है ना तलाक के पीछे ये नंदों का भी केस था। नंद हुकूमत को चाहिए नंदे बंद कर दें, ये नंद करती है सबसे ज्यादा गंद। नंदे बंद शादी, हाँ शादी के शुरू में बहुत प्यार करती, भाभी इधर मत जाए वहां खड्डा, इधर आ जाए, 6 महीने बाद वही खड्डे की तरफ लेके जा रही थी। और ये सास से पूछो ना तुम्हारी बहू कैसी है, चांद का टुकड़ा है, 8 महीने बाद पूछो भूसी टुकड़ा है। मनुष्य क्या बोला? भूसी टुकड़ा। ये नंदे होती है, अम्मा जरा देख के रहना, ये भाभी का घराना जो है ना चोरों वाला है, तिजोरों पे आंखें रखना, यही बर्बाद करती है ये नंदे। शायस्ता महफूज
महंगाई ने पूरे पाकिस्तान को नफसियाती कर दिया। बहुत अच्छी बात की यार, ये नहीं महंगाई ने ऐसा यार, जिस मुल्क में शाइस्ता महफूज नहीं है। हाँ हाँ और क्या यार महंगाई, आप देखो लोग नफसियाती मरीज हो गए। मेरा एक दोस्त गंदे कपड़ों को इस्त्री कर रहा था, मैंने बोला ये क्या कर रहा है, इस्त्री करके धोऊंगा बाद में, लाइट का कुछ पता नहीं होता ना। उन्होंने मेरा नाम चोरी किया होगा, मुझे नहीं पता आपका नाम महफूज क्यों है, महफूज क्यों लगा। आपका तो महफूज है, कोई भी महफूज नहीं है, आपसे कोई महफूज नहीं है। मेरे वालिद ग्रामी का नाम था महफूज, महफूज मेरा नाम है, शाइस्ता महफूज, शाइस्ता, अब वो शाइस्ता महफूज ही रख लिया। तो आप महफूज रही है? बस शादी से पहले रही हूँ। अच्छा शायरी से कोई लगाव है? शायरी से, शायरी से, शायरी से, मतलब शायरी रोमांटिक तो लगती है आप काफी, तो शायरी से तो कोई लगाव होगा? शायरी से कोई इतना शगफ नहीं है कि सुन लेती हूँ अच्छा अच्छी शायरी। कहा कोई अच्छा सा एक शेर हो जाए जो आप समझती हैं, जो सुना दे कि हम भी बेसहारा तुम भी बेसहारा, हम भी बेसहारा तुम भी बेसहारा, हम भी बेसहारा तुम भी बेसहारा, फिटे मुंह तुम्हारा फिटे मुंह हमारा, सेम टू यू। अच्छा मैंने सुना है कि आपके अफेयर्स भी रहे, जी जी, फखर की बात है बता रही हैं आप। तो शादी से पहले सबके रहते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? शादी के बाद भी रहे आपके अफेयर्स? शादी के बाद एक थे साजिद मुंशी, उनसे थी। क्या साजिद मुंशी? जानते हैं हम, जानते हैं। क्या चक्कर था आपका साजिद मुंशी से? बस उनकी वही वाली बात है जो अभी मैंने कही। क्या चीज पसंद थी आपको उनकी, जो उनका क्या आदत पसंद थी? वो चीज उनकी दिखती नहीं थी, इनकम ज्यादा था ना दिन का में उनके, दिन का। हां वो तो मुझे किसी दिन भी उनसे शादी हो जाए तो मैं खुद ही चील के जरिए उनको उठवा। तो ऐसा तो नहीं आपको जो तलाकें हुई हैं तो आपके शौहर को किसी को शक हो गया आपके ऊपर कि ये रात को उठ के किसी से बात करती है, मिलने जाती है, क्या जो भी व्हाटएवर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बातें नहीं करती थी, डायरेक्ट जाके मिल के आ जाती थी। मतलब ब्रॉड माइंडेड था आपके शौहर? बहुत अच्छे भाई, पूरे शो में परेशान दिखी आपको? मुझे परेशान दिखी, इन दोनों ने बहुत परेशान किया। अब इनके मज़लूम औरत को तुम लोग इतना सता रहे हो, मज़लूम आपने कितने लोगों को मज़लूम कर दिया। ये हेयर कटिंग कहाँ से करवाती हैं आप? हेयर कटिंग ना पूछो, ये पीपल के दरख के नीचे नहीं बैठता, 150 रुपए काम पूरा। पीपल के दरख के नीचे बैठता है, 150 रुपए काम पूरा। शाइस्ता मैं कह रहा हूँ कि मुआशरे से क्या गिला है, क्या गिला है रिश्तेदारों से? आपने हमेशा माशरे का गिला किया है। देखो रिश्तेदारों की बात तो करना नहीं कभी जिंदगी में। हाय 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 हाय, आपके रिश्तेदार कभी भी आपकी खुशी में खुश नहीं होंगे, आपकी तरक्की को कभी भी वो हजम नहीं कर पाएंगे। हाय हाय, हमेशा पीठ पे खंजर वही घोंपता है जो आपका करीबी होता है, जो करीबी होता है, करीबी होता है वही दुख देता है, और वो जब दुख देता है तो बहुत दुखी हो जाता है। अगर मैं इसी बात पे मैंने एक शेर रस किया है, वाह वाह इरशाद, इंडस्ट्रियां जितनी थी मेरे यार खा गए, इंडस्ट्रियां जितनी भी थी मेरे यार खा गए, मेरी सारी जायदाद मेरे रिश्तेदार खा गए, वाह 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 वाह, मरने के बाद भी उन्होंने की मुझसे चिटिंग, बनवाया मेरा मजार तो मीनार खा गए, वाह वाह वाह। ये उमर शरीफ साहब का जबरदस्त शेर था, चलो मैं आपको सुनाया, अल्लाह ताला उनको भी गरीब, आमीन 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 आमीन। और दूसरी बात मैं उन बहनों से कहना चाहूंगी कि अपने घर को हमेशा संवार के रखें, बना के रखें। आप दूसरों का घर छोड़ के आती हैं, बेशक बहुत कठिन मामला होता है, लेकिन उसमें जो आपकी सास है उसमें आप अपनी माँ को ढूंढें, जो आपके ससुर हैं उसमें अपने बाप को ढूंढें, जो आपके देवर हैं उसमें अपने भाई को ढूंढें, जो देवरानियां हैं उसको अपनी बहन में ढूंढे, तो इंशाल्लाह घर आपके हमेशा सही रहेगा। आमीन आमीन। आप लोग इसी तरीके से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे,